हेलो गाइस एंड वेलकम टू 8 वार मोटर राइड। तो आज के वीडियो में मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ बजाज पल्सर 125 का होंडा एसपी 125 के साथ। दोनों में से कौन सी बाइक बेटर है आज के वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन का ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे लुक्स की बात करते हुए। तो यहाँ पर अपन पल्सर के लुक्स की बात करें तो पल्सर आपको सेम डिज़ाइन में मिलेगी पहले जैसे, लेकिन अगर अपन एसपी 125 से कंपेयर करते हैं तो दोनों का लुक अलग अलग डिज़ाइन में आता है। पल्सर में देख सकते हैं आप, पल्सर यहाँ पर आपको 150 जैसी लगेगी, मतलब 150 सीसी जैसा डिज़ाइन देता है यहाँ पर बजाज आपको। यहाँ पर पल्सर 150 रखी हुई है, सेम डिज़ाइन आपको 125 सीसी में मिल रहा है। तो ये बाइक बहुत ज़्यादा बल्की लगेगी। और सामने से आप देख सकते हैं यहाँ पर हेडलैम्प सेटअप मिलता है, बजाज की ब्रांडिंग है। यहाँ पर मडगार्ड के ऊपर कार्बन फाइबर मिलेगा आपको, सस्पेंशन सेटअप है, बढ़िया अलॉय व्हील देखने को मिलते हैं, सबसे अलग डिज़ाइन में है इसके अलॉय व्हील। बेली पैन मिल जाता है आपको यहाँ पर, और यहाँ पर पल्सर की ब्रांडिंग है। स्टिकर्स मिलते हैं, काउल मिलता है आपको, किक मिलता है इसके अंदर, बाकी साइलेंसर भी अच्छा खासा लंबा आता है इसके अंदर। और रियर में देखने मिलता है आपको टायर हगर, और रियर में आपको ऐसी कुछ प्रोफाइल मिल जाती है, 125 की ब्रांडिंग यहाँ पर आती है। और साइड से भी पल्सर 125 बहुत अच्छी लगती है, पल्सर 150 जैसी लगती है, बहुत ही ज़्यादा बल्की और मस्कुलर लगती है ये बाइक। 125 सीसी कैटेगरी में ये एसपी 125 से भी ज़्यादा मोटी लगती है। बाकी एसपी 125 के लुक्स की बात करें तो एसपी में भी आपको अच्छे लुक्स मिलते हैं। सामने आपको स्ट्राइकिंग सा हेडलाइट देखने मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, शार्प डिज़ाइन देखने मिलता है आपको, बॉडी कलर्ड मडगार्ड मिलेगा उसके अंदर। साथ ही साथ यहाँ पर टैंक भी बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है, उसके अंदर नीचे तक काउल आते हैं, तो काउल बहुत अच्छे रहने की वजह से एसपी 125 का भी डिज़ाइन आपको अच्छा लगेगा और टैंक बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है एसपी का। साइड प्रोफाइल से भी एसपी 125 अच्छी लगती है, रियर से भी बहुत अच्छी देखने मिलती है एसपी 125। तो ओवरऑल डिज़ाइन देखते हैं तो ज़्यादा अट्रैक्टिव डिज़ाइन आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं, लेकिन मेरे हिसाब से पल्सर 125 का जो डिज़ाइन है वो 150 से लिया गया है, इसलिए मैं ज़्यादा सपोर्ट पल्सर 125 के डिज़ाइन को करता हूँ। एसपी का भी डिज़ाइन है, लेकिन आपकी राय कमेंट सेक्शन में बताना। मेरे हिसाब से तो पल्सर 125 ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है एसपी 125 के सामने। अब बात कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट कंसोल की। तो आपको पल्सर में फुल डिजिटल मीटर मिलता है, यहाँ पर आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जैसे कि स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, टाइम और टैकोमीटर मिलता है। और यहाँ पर इनिशियल फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी मिलेगा आपको, और यहाँ पर बटन मिलता है टॉगल करने के लिए। मेन्यू सेलेक्ट करेंगे, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी 1, इसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्शन भी मिलेगा आपको, इंजन चेक लाइट, लो बीम हाई बीम लाइट और न्यूट्रल इंडिकेटर देखने को मिल जाता है आपको, सारे के सारे फीचर्स आते हैं इसके अंदर। थोड़ी ब्राइटनेस कम लगती है मेरे को इसकी। बाकी स्विच गियर्स भी आपको अच्छे मिलते हैं, इंजन के स्विच, इसके नीचे सेल्फ स्टार्ट बटन, लेफ्ट साइड में पासिंग स्विच, लो बीम हाई बीम बटन, ये मेन्यू सेलेक्ट बटन, इंडिकेटर वाला बटन, और इसके नीचे हॉर्न, ऐसा कुछ हॉर्न आता है, और रियर व्यू मिरर भी आपको अच्छे मिल जाते हैं इसके अंदर। अब यहीं एसपी के मीटर की बात करें तो एसपी 125 में आपको मिलता है फुल डिजिटल मीटर, इसके अंदर आपको ब्लू बैकलाइट मिलती है, इसके अंदर आपको स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज और लाइव माइलेज जैसे फीचर्स मिलते हैं। यहाँ पर टैकोमीटर नहीं मिलता एसपी 125 में। और पल्सर में आपको मोबाइल चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा, लेकिन एसपी में आपको मोबाइल चार्जिंग पॉइंट नहीं मिलता। और स्विच गियर्स की बात करें तो एसपी के अंदर आपको देखने मिलता है राइट साइड में इंजन के स्विच और इसी में सेल्फ स्टार्ट बटन, और लेफ्ट साइड में पासिंग स्विच, लो बीम हाई बीम बटन एक ही बटन में मिलेगा, उसके नीचे इंडिकेटर वाला बटन और इसके नीचे हॉर्न मिलता है आपको। यहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छी क्वालिटी और ज़्यादा फीचर्स वाला मीटर पल्सर 125 का मिलता है एज़ कम्पेयर टू एसपी 125। सस्पेंशंस की बात करें तो यहाँ पर पल्सर में फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक मिलता है और पीछे ट्विन स्विंग आर्म मिलता है नाइट्रॉक्स वाला, और एसपी 125 में आपको टेलीस्कोपिक फोक मिलेगा सेम, और पीछे लाल कलर का देखने मिलता है ट्विन स्विंग आर्म जो कि नाइट्रॉक्स वाला नहीं है। तो यहाँ पर बेटर सस्पेंशंस पल्सर 125 में आते हैं। ब्रेक्स की बात करें तो यहाँ पर दोनों बाइक के अंदर सिंगल डिस्क वेरिएंट मिलता है, और पल्सर में आपको 240 mm का डिस्क मिलता है फ्रंट में, और पीछे 130 mm का ड्रम मिलता है। एसपी में भी आपको सेम ब्रेक्स मिलेंगे, सामने 240 mm का डिस्क और पीछे 130 mm का ड्रम। तो यहाँ पर ब्रेकिंग परफॉर्मेंस पल्सर की ज़्यादा अच्छी रहती है क्योंकि यहाँ पर डबल पिस्टन कैलिपर आते हैं पल्सर 125 के अंदर। अब बात कर लेते हैं अपन टायर्स की। तो दोनों बाइक के अंदर सेम साइज़ के टायर आते हैं, लेकिन फ़र्क इतना है अलॉय व्हील का साइज़ छोटा आता है पल्सर के अंदर। बाकी फ्रंट में 80-117 का टायर मिलता है पल्सर में, और रियर में 90-117 का टायर मिलता है पल्सर 125 में। और एसपी में भी आपको सेम टायर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर 18 इंच के अलॉय व्हील हैं। एसपी में फ्रंट में 80-118 का टायर मिलता है, और रियर में 80-118 का टायर देखने को मिल जाता है आपको एसपी 125 में। तो दोनों बाइक के अंदर टायर सेम साइज़ के आते हैं, यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है।
अब बात कर लेते हैं इंजन की। तो यहाँ पर पल्सर की बात करें तो पल्सर के अंदर आपको मिलता है 125 सीसी का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक टू वेल्व VSX फेस्टो कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, लगभग 12 PS की पावर है और मैक्स टॉर्क है 11 न्यूटन मीटर का विद 5 स्पीड गियरबॉक्स। तो यहाँ पर पावर और टॉर्क फिगर्स पल्सर में अच्छे आते हैं। अब यहीं SP के इंजन की बात करें तो SP में मिलता है आपको 125 सीसी का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक टू वेल्व VSX फेस्टो कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, जो कि मैक्स पावर निकालता है 10.87 PS की और मैक्स टॉर्क निकालता है 10.9 न्यूटन मीटर का विद 5 स्पीड गियरबॉक्स। यहाँ पर आपको SP में कम पावर और कम टॉर्क मिलता है एज़ कम्पेयर टू पल्सर 125। अगर आपको ज़्यादा पिकअप चाहिए तब आप पल्सर 125 की तरफ जाओ, क्योंकि यहाँ पर 12 BHP की पावर है, 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। और बात करें माइलेज की तो यहाँ पर ज़्यादा माइलेज आपको देगी SP125। SP में मिलता है आपको 60 से 65 KMPL का माइलेज और पल्सर में आपको मिलेगा 50 से 60 KMPL का माइलेज। तो यहाँ पर ज़्यादा माइलेज आपको SP125 देती है और पल्सर थोड़ा कम माइलेज देती है, लेकिन परफॉर्मेंस ज़्यादा देती है पल्सर 125। अब बात कर लेते हैं सीट कंफर्ट की। तो पल्सर 125 में आपको दो मॉडल मिलते हैं, एक है सिंगल पीस सीट और दूसरा है स्प्लिट सीट। तो यहाँ पर स्प्लिट सीट वेरियंट में भी आपको अच्छा कम्फर्ट मिलेगा, देख सकते हैं आप कुशनिंग अच्छी है और यहाँ पर पिलियन के लिए भी कंफर्ट अच्छा मिलता है। साथ ही साथ राइडर हो या पिलियन, इसकी राइडिंग पोजीशन भी अच्छी रहने की वजह से कंफर्ट लेवल बना रहता है इसके अंदर। और SP की बात करें तो SP ज़्यादा कंफर्टेबल आती है, क्योंकि यहाँ पर सिंगल पीस सीट देखने को मिलती है आपको, राइडर हो या पिलियन इसके ऊपर भी कंफर्टेबल रहता है। तो पल्सर के सामने ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक है SP125। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल्स की। तो यहाँ पर पल्सर में आपको हैलोजन वाली हेडलाइट मिलती है, हैलोजन वाले इंडिकेटर मिलते हैं और जो टेल लाइट है वो आपको LED मिल जाती है पल्सर 125 में। तो यहाँ SP की बात करें तो SP में LED हेडलाइट मिलेगी आपको और टेल लाइट जो है वो हैलोजन वाली मिलती है और जो इंडिकेटर है वो हैलोजन मिलते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रिकल मिलता है आपको SP125 का, क्योंकि LED हेडलाइट आती है उसके अंदर। अब बात करें सीट हाइट की, तो आपको पल्सर में मिलती है 790 mm की सीट हाइट और SP125 में 791 mm की सीट हाइट मिलती है। तो लगभग सीट हाइट दोनों बाइक के अंदर सेम आती है। और बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की, तो यहाँ पर पल्सर में 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है और SP125 में लगभग 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। तो यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा आता है पल्सर 125 के अंदर एज़ कम्पेयर टू SP125। और टैंक कैपेसिटी की बात करें तो पल्सर में मिलता है आपको 11.5 लीटर की टैंक कैपेसिटी और SP में मिलता है 11.2 लीटर की टैंक कैपेसिटी। तो बड़ी टैंक कैपेसिटी आपको पल्सर में मिलती है, लेकिन माइलेज ज़्यादा रहने की वजह से SP आगे निकल जाती है। ओवरऑल वेट की बात करें तो यहाँ पर हेवी बाइक है पल्सर 125, क्योंकि इसका वेट है 140 kg और SP का वेट है 116 kg। तो यहाँ पर 24 किलोग्राम ये हेवी आती है। अगर आपको हेवी बाइक चाहिए तो आप पल्सर की तरफ जाओ और अगर आपको लाइट वेट बाइक चाहिए तो आप SP125 की तरफ जाओ। अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। अगर आपको बजाज ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो तो आप राजयोग बजाज उदगीर शोरूम को कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं। इनका कांटेक्ट नंबर और मैप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर पल्सर 125 स्प्लिट सीट कार्बन फाइबर मॉडल ऑन रोड देखने को मिलता है 1,20,000 रुपये के प्राइस पर। और SP125 का डिस्क वेरियंट आपको ऑन रोड देखने को मिलेगा 1,13,000 रुपये की ऑन रोड प्राइस पर, लगभग 7,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस है। अब आपको 7,000 एक्स्ट्रा देना चाहिए या फिर SP125 लेना चाहिए वो सब मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पर। अगर आपको ज़्यादा पिकअप चाहिए और ज़्यादा मस्कुलर बाइक चाहिए, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट चाहिए और साथ ही साथ यहाँ पर आपको पल्सर 150 के मज़े चाहिए 125 सीसी में, तो आप पल्सर 125 की तरफ जाओ, क्योंकि यहाँ पर आपको डिज़ाइन पूरा 150 वाला मिलता है और प्राइस आपको 125 सीसी वाली देनी है। बाकी यहाँ पर आपको फुल डिजिटल मीटर में ब्लूटूथ कनेक्शन भी अच्छा मिल जाता है, जो कि देख सकते हैं आप। और यहाँ पर नाइट्रॉक्स सस्पेंशन मिलते हैं रियर में, जो कि ज़्यादा अच्छे रहते हैं एज़ कम्पेयर टू SP के नॉर्मल सस्पेंशन। यहाँ पर आपको अलॉय व्हील डिज़ाइन भी अच्छा मिलेगा, पल्सर की ब्रांडिंग अच्छी मिलेगी। पिकअप तो बहुत ही अच्छा आता है पल्सर 125 का, 125 सीसी में वन ऑफ द बेस्ट पिकअप है इस बाइक का। अब यहीं बात करें SP किसको लेना चाहिए, जिसको माइलेज चाहिए, जिसको LED हेडलाइट चाहिए, जिसको फुल डिजिटल मीटर में कम फीचर्स भी चल जाएंगे और जिसको होंडा की बाइक चाहिए जो ज़्यादा स्मूथ हो एज़ कम्पेयर टू पल्सर, थोड़ा पिकअप कम भी रहा तो चलेगा, तो उनके लिए होंडा SP125 अच्छी है, वरना आपको पल्सर 125 लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको माइलेज ज़्यादा चाहिए तो आप सीधा SP की तरफ जाओ, क्योंकि पल्सर आपको ज़्यादा माइलेज निकाल के नहीं देगी जितना अपनी SP125 देती है। तो गाइस आज के वीडियो में मैंने आपको बजाज पल्सर 125 वर्सेस होंडा SP125 का कंपैरिजन दिया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।